नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज 30 दिसंबर है। आज 1500 के नोट बैंक में आखिरी बार सफर करेंगे। 30 दिसंबर की तारीख की अहमियत एक और वजह से भी है। नोटबंदी के बाद हो रही मुश्किलों को लेकर पीएम मोदी ने देश को दिलासा दिया था कि 30 दिसंबर तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 30 दिसंबर तक की नोटबंदी में काले धन के खिलाफ कितनी कामयाबी मिली, लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई, देखिए रिपोर्ट। देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। जिस तारीख का इंतजार था वो आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश से 30 दिसंबर तक मोहलत मांगी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि नोटबंदी के 50 दिन बाद देश को कितनी राहत मिली। ये सच है कि बैंकों के बाहर लाइनें कम हुई हैं, एटीएम से भी 2000 के गुलाबी नोट देर सवेर निकले जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया ऐसा भी नहीं है। कैश की किल्लत जारी है, कैश की लिमिट बनी हुई है। 30 के राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री इससे भी निजात दिला दें, पर क्या नोटबंदी की तकलीफें लोग भूल पाएंगे? इन 50 दिनों में कहीं लाइनों में लोगों ने दम तोड़ा तो कहीं कैश की किल्लत में मजदूरों की नौकरी छिन रही है। अब नोटबंदी के 50 दिन बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किन शब्दों में परेशानी से त्रस्त लोगों को शुक्रिया अदा किया, आप भी देखिए। We are extremely grateful to the people of India who have in very large measure supported this move. And what is significant is that not a single incident of any form of unrest has been reported in the country. नोटबंदी के 50 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों ने बैंकों और एटीएम की लाइनों में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। कई घरों में शादी की शहनाई नहीं बच पाई, किसान फसल नहीं उगा पाए, काम धंधे चौपट हो गए। 26 दिसंबर को अमृतसर के मजीठा इलाके में फलियों की खेती करने वाले किसानों ने सही दाम न मिलने की वजह से पकी हुई फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान इसका कारण नोटबंदी मान रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में फसलें खूब लहलहा रही हैं। कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता थी, वहाँ भी वृद्धि हो रही है। इस बार की जो रबी क्रॉप की सोइंग हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में 6.37% ज्यादा है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। नोटबंदी में क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब तो सरकार लगा रही है। संभव है प्रधानमंत्री खुद आंकड़ों के साथ जनता को जवाब दें, लेकिन अब मिले आंकड़े बता रहे हैं कि नोटबंदी से 86% करेंसी यानी करीब 15,40,000 करोड़ रुपए सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे। 50 दिन बाद अब 14,00,000 करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ चुके हैं या एक्सचेंज हो चुके हैं। ये चलन से बाहर हुई करेंसी 91% है। आम बैंकों में पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 31 मार्च तक पुराने नोट जमा होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नोटबंदी का मकसद पूरा हो पाया? नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियों ने देश भर में 678 जगहों पर छापेमारी की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छापेमारी के दौरान अब तक 3600 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जब्त की गई है। क्या काला धन सिर्फ इतना ही था, या फिर काले धन के सौदागरों ने नोटबंदी में ही इसे सफेद भी कर लिया? आज तक ब्यूरो। नए साल के आने में एक और दिन का इंतजार है। नोटबंदी के बाद कैलेंडर की बदल रही तारीख लोगों की कई उम्मीदों से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक नए साल से पहले पीएम मोदी एक बार फिर देश के नाम संबोधन कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही काले धन के खिलाफ कुछ और कड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, उनका जूस टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष की घेरेबंदी के बीच पीएम मोदी जनता से सीधा संवाद करते रहे। नए साल से पहले पीएम मोदी एक बार फिर 8 नवंबर की ही तरह कुछ नया ऐलान कर सकते हैं।
31 दिसंबर को पीएम मोदी फिर देश को कर सकते हैं संबोधित। इस संबोधन में पीएम मोदी काले धन के खिलाफ नए साल के लिए कुछ नए फैसलों का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या पर पीएम 8 नवंबर की ही तरह जनता के नाम सीधा संबोधन कर सकते हैं। इस संबोधन में पीएम जब्त किए गए काले धन का आंकड़ा, नई करेंसी से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं। पीएम काले धन और बेनामी संपत्ति के खिलाफ नया एक्शन प्लान बता सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी कुछ नए फैसलों के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा मानना यह है कि जैसे 8 तारीख को भी लोगों को ये ज्ञान नहीं था प्रधानमंत्री जी क्या बताएंगे, पर उन्होंने एक नया कदम दिखाया और अब फिर देश की जनता को सीधे संबोधित करेंगे। कोई पहले से तय किया हुआ कोई वक्तव्य नहीं होगा, वास्तव में 1-to-1 संपर्क और जीवन संपर्क होगा और एक नई जानकारी हम सबको। पीएम मोदी अगर जनता से सीधे संवाद करने में यकीन रखते हैं तो लोगों को भी अपने पीएम से कई तरह की उम्मीदें हैं। कि जो बाकी बड़े लोगों को भी वो राहत दे रहे हैं तो किसानों के कर्जे की उन्हें माफ कर दिए जाएं, और अभी जो खाद और बीज के ऊपर जो सब्सिडी है वो भी बढ़ाई जाए। तो हम लोग यही उम्मीद लगा सकते हैं कि या लगा रहे हैं कि मोदी जी जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, और इतना इनका जो उन्होंने समय दिया था हम लोगों को 50 दिन का, वो समय अंतराल पूरा हो चुका है और कुछ अच्छा करें तो अच्छा रहेगा। बस नोटबंदी के मुद्दे पर थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन जनता बेहद खुश है कि इसका जो भी रिजल्ट मिले वो आने वाले समय में जो मध्यम वर्गीय है और छोटे वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। नोटबंदी पर 31 दिसंबर के बाद पीएम के प्लान में और भी कई बातें हैं। पीएम के संबोधन के बाद जबरदस्त प्रचार अभियान शुरू होगा। एक एक मंत्री को कम से कम 10 रैलियां करने का निर्देश। रैलियों में नोटबंदी की कामयाबी गिनाई जाएंगी। सभी मंत्रियों को 60 पेज का डॉजियर दिया गया है। डॉजियर में नोटबंदी से मिली सफलताओं का ब्यौरा है। मंत्रियों को चुनावी राज्यों में ज्यादा जोर देने के निर्देश। रैलियों के अलावा टीवी और रेडियो के जरिए भी होगा प्रचार। नोटबंदी पर 30 दिसंबर की समय सीमा तो नोटों की अदला बदली करने में ही बीत रही है। अब सरकार की अगली मुश्किल जनता के उस भरोसे और साथ को बनाए रखने का है जो कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देखने को मिला। इसलिए अब आने वाले दिनों में सरकार कुछ ऐसी आकर्षक योजनाएं सामने ला सकती है जो कि विपक्ष के आक्रामक हमलों के बावजूद भी जनता के विश्वास को ना टूटने दें। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ रीमा पराश, दिल्ली आज तक। नोटबंदी के 50 दिनों में दो तरह की तस्वीरें आम रही, एक तो बैंक के बाहर लंबी कतारें और दूसरी काले धन के बड़े खुलासे। नोट छप रहे थे और ईडी और आयकर विभाग की टीम को करोड़ों की नई करेंसी मिल रही थी। काले धन का खेल बैंकों से लेकर सराफा बाजार तक सरेआम हो रहा था। नोटबंदी के बाद काले धन के कुबेरों पर कार्रवाई शुरू हुई तो खुलासे ऐसे ऐसे हुए कि लोग हैरान रह गए। काला धन कहां नहीं मिला। कोलकाता में पारसमल लोढ़ा के खिलाफ छापेमारी हर दिन जारी है। कोलकाता के कई इलाकों में पारसमल लोढ़ा की संपत्ति सीज। 3 बैंक लॉकर्स में मिले करोड़ों रुपए के जेवर। 2 बैंक लॉकर्स की पहचान अभी भी बाकी। ईडी सूत्रों के मुताबिक पारसमल लोढ़ा बड़े कारोबारियों और रसूखदार लोगों के साथ मिलकर इनकम टैक्स के अधिकारियों और कोर्ट तक की सेटिंग किया करता था। कल दिल्ली में देशाम दरियागंज इलाके में इनकम टैक्स की टीम जैन कोऑपरेटिव बैंक पहुंची। शिकायत मिली थी कि विनय जैन की गवाही पर 9 खाते बैंक में खोले गए हैं और खुद विनय जैन को इसकी खबर नहीं थी। संयोग से उनकी नजर बैंक की टेबल पर पड़े फॉर्म पर गई, जिसमें उनका मेंबरशिप नंबर लिखा था। दिल्ली के दरियागंज के जैन कोऑपरेटिव बैंक में फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारियों की रेड चल रही है। जो बैंक है उसके अंदर जितने भी अकाउंट हैं उनको खंगाला जा रहा है। दरअसल विनय जैन नाम का एक शख्स है जो जैन कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट होल्डर है, उसने शिकायत की कि उसके नाम से इस बैंक में 9 खाते खोले गए हैं। नोटबंदी के बाद काले धन के खेल में सोने का योगदान जबरदस्त रहा। तब से सराफा कारोबारियों की यहां छापे दनादन पड़ रहे हैं। जोधपुर में इनकम टैक्स की 5 टीमें एक साथ छापा मारने पहुंची।
खबर जंगल में आग की तरह फैली और सराफा कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी। नोटबंदी के बाद नक्सली पुरानी करेंसी बदलने के लिए हर तरह की कोशिश में जुटे हैं, जिस पर पुलिस की कड़ी नजर है। बस्तर में 8 नवंबर के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त हो चुकी है। काले धन को ठिकाना लगाने का एक तरीका ये भी है। बीकानेर में नाली में 1000 और 500 के फटे नोट बहते हुए नजर आए तो लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आज बैंक में पुराने नोट जमा करने का आखिरी दिन है, लेकिन जिनके जखीरे में काला धन है वो बैंक जाएं भी तो कैसे। नोटबंदी का मकसद भी यही था कि देश को काले धन से मुक्ति मिले। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में अर्थव्यवस्था से काले धन का दाग पूरी तरह से धुल जाएगा। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी का रिपोर्ट कार्ड कैशलेस इंडिया की मुहिम का जिक्र किए बिना पूरा नहीं हो सकता। कैश को लेकर कैसी कैसी मुश्किलें सामने आ सकती हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समस्या कैश की किल्लत की नहीं है, कभी कभी कैश भी समस्या बन जाता है। नोटबंदी के बाद होशंगाबाद में हाईवे के किनारे चाय की गुमटी लगाने वाले राजेश चक्रवर्ती परेशान है। परेशानी पुराने नोटों की नहीं है और न ही उनके पास कैश की किल्लत है। चाय के इस छोटे से कारोबारी की मुश्किल जरा अलग है। राजेश चक्रवर्ती ने बाइक के लिए बैंक से लोन लिया था। बैंक की किश्त जमा करने के लिए उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन सारे 10-10 रुपए के सिक्के वाले। 16,000 रुपए के सिक्के लेकर वो किश्त जमा करने के लिए 3 दिन से बैंक के चक्कर काट रहे हैं। पैसा जमा करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं 10-10 के सिक्के के लेके आप मेन ब्रांच में जाओ। हमारी होटल है साहब चाय की, उसके कारण मतलब आने हम मतलब आने एक दो दो चाय बेचते, 10 के सिक्के 5 के सिक्के ट्रक वाले चाय पीने आते हैं, उसको 10-10 के सिक्के लाते। अब ये पैसा जी मैं नहीं लूंगा, मेरी होटल बंद नहीं हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में नोटबंदी को लेकर सबसे ज्यादा असर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं और कटरा के व्यापारियों पर पड़ा है। इनका कहना है कि 50 दिनों में कारोबार आधा रह गया है। मैं यात्रा के फिगर्स के हिसाब से करूं तो पिछले साल के मुकाबले में अभी तक की यात्रा लगभग 1.5 लाख के करीब कम होगी, इसी अरसा में जितने अरसा में ये नोटबंदी हुई है। और यहां तक बिजनेस का सवाल है, उसमें भी मुझे लगता है कि एक काफी और व्यापक जो है वो असर पड़ा है। जोधपुर के शनिदेव मंदिर में जब चढ़ावा 1/4 रह गया और भक्तों की संख्या कम हो गई, तो मंदिर ने पेटीएम से चढ़ावा देने की व्यवस्था की। कैश की किल्लत पर मचे कोहराम के बीच बीजेपी कैशलेस अभियान को जोर शोर से चलाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू ने 2 मोबाइल स्क्रीन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस डिजिटल स्क्रीन पर पीएम मोदी के उन भाषणों की क्लिप भी सुनाई जाएगी। यानी नोटबंदी के बाद देश कैशलेस होने की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो।